देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हमें EBIT EPS एनालिसिस, EBIT EPS एनालिसिस और ROI ROE एनालिसिस, हमें समझना है कि ये एनालिसिस क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, क्या इनका मतलब है। पहले हमें बेसिक जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पता हो, ठीक है। तो पहले इन सबका एक बार जरा मीनिंग समझ लें कि EBIT का मतलब क्या है। शायद ये तो मुझे बताने की जरूरत भी ना पड़े, EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहा हूँ इसको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो आपकी सेल्स होती है, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस की, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस की, तो जो बचा उसे आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहा, यानी कि वो प्रॉफिट जिसमें अभी इंटरेस्ट और टैक्स देना बाकी है। जाहिर सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स है तो उन पर प्रेफरेंस डिविडेंड देना भी बाकी है, क्योंकि उनका नंबर तो टैक्स के बाद ही आएगा, तो उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT बोलते हैं। और अर्निंग पर शेयर क्या होती है, तो ये भी हमने समझा कि इसमें से पहले इंटरेस्ट लेस होगा। इंटरेस्ट लेस होने के बाद इसको जो हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसके बाद इसमें से टैक्स लेस किया जाएगा और इसे हम कहेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। और जब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी आप लेस कर देंगे, तो ये कह रहा है कि नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, हम कई बार पढ़ चुके हैं, और डिवाइड इसको कर दिया हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो ये बन जाएगा अर्निंग पर शेयर। ये आपका अर्निंग पर शेयर होता है। अब EBIT EPS एनालिसिस का मतलब हुआ, मोटे तौर पर अभी जो मैं बात करूं, कि EBIT का EPS से क्या रिलेशन है। जब EBIT में कोई चेंज होता है, चेंज इन EBIT, डेल्टा मतलब चेंज, तो EPS में किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप क्या है, हमें उसे पढ़ना है। देखा जाए तो पूरा का पूरा जो लीवरेज हमने पढ़ा है, वो एक्चुअल में इस एनालिसिस को बात कर ही रहा है बार बार, कि EBIT में चेंज का EPS पर इम्पैक्ट, एक तरह से फाइनेंशियल लीवरेज में तो हम बार बार पढ़ ही इस तरह की बातें रहे हैं। और हमने अभी जो हमने इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT पढ़ा, वहां पर भी काफी हद तक हमने इसी कंसेप्ट को देखा था, बट आज चलो इसको एक बार दोबारा से डिटेल में देखेंगे। इस पर मैं आऊं उससे पहले दूसरा कंसेप्ट मैं और क्लियर कर दूं, ROI एंड ROE। तो ROI का मतलब क्या है, ROI को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वहां हो सकता है आपने अर्निंग के बजाय प्रॉफिट बोल दिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तो मोटे तौर पर हम इसको बोल सकते हैं टोटल असेट्स, ठीक है। और ये टोटल असेट्स कहाँ से आई होगी, बैलेंस शीट्स का अगर आप ये वाला फॉर्मेट देखें, ओरिजेंटल वाला पुराना जो फॉर्मेट था, ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी की सारी असेट्स को लिखते थे और यहाँ हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज थी। फाइनेंस की भाषा में हम बोले तो हम कहते थे यहाँ से फाइनेंसिंग करते थे, यहाँ से पैसा आता था और यहाँ हम उसको इन्वेस्ट करते थे, कि यहाँ पैसा कहाँ से आया, अपनी शेयर कैपिटल से आया, ठीक है, अपने रिजर्व से आया, अपने लोन जो हमने लिया वहाँ से आया, इस तरह से ये पैसा आया और जो आया उसको हमने यहाँ पर लगाया या इन्वेस्ट किया। यानी कि मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये जो टोटल असेट्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ शेयर होल्डर्स फंड प्लस बोरोइंग्स,
जितने भी लोन वगैरह हैं वो सब इसमें आ गए, शेयर होल्डर्स फंड प्लस बोरोइंग। और इस शेयर होल्डर फंड को भी मैं और आगे एक्सप्लेन करूं तो मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, उनका कोई अनक्लेम डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स का जो अभी पे नहीं किया है तो वो भी यहाँ आ जाएगा, और प्लस बोरोइंग, ठीक है, मोटे तौर पर ये है। वैसे तो अगर डिटेल डेप्थ में जाओगे तो इसमें से फिर अब आपको जो 50 टीएस असेट्स हैं और जो आपके जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं वो सारे इसमें से और घटाने पड़ते, पर अभी हम उधर नहीं जा रहे, सिर्फ इतना समझना है। तो मोटे तौर पर ये होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आपके समझ में आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जितना मैंने बिजनेस में लगाया उस वो सारा इन्वेस्ट करने से बिजनेस ने मुझे कितना परसेंट रिटर्न दिया। अगर मैंने बिजनेस में 100 रुपए लगाए तो 25 रुपए अगर मैं कमाता हूं तो मैं कहूंगा कि हर एक 100 रुपए इन्वेस्ट करके मैंने 25% का रिटर्न अर्न किया। बेशक इसमें से अभी इंटरेस्ट देना है, अभी टैक्स देना है, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, वो एक अलग बात है, लेकिन बिजनेस ने इतना दिया। अच्छा, बिजनेस ने तो इतना दिया लेकिन मुझे कितना मिला, मुझे मतलब ओनर को, मालिक को कितना मिला। मालिक कौन होते हैं? अगर शेयर होल्डर्स की भाषा में बात करें तो वहां कंपनी के असली मालिक कौन माने जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी होल्डर्स को कितना मिला भाई? बिजनेस भाई, मैंने जो है 5 लाख रुपए मेरे पास थे, 5 लाख मैंने आप लोगों से उधार ले लिए, ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए हो गए, मैंने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस में लगा दिए और वहां से मुझे मान लीजिए 2 लाख रुपए की कमाई हुई। तो बिजनेस ने तो मुझे उस 10 लाख की पूंजी पर 2 लाख रुपए दे दिए, 20% दे दिया, लेकिन मैं जानने में इच्छुक हूँ कि जो मैंने मेरे 5 लाख लगाए उस पर कितना मिला। अब उस पर कितना मिलेगा भाई? देखो 2 लाख रुपए आए, ये सारा तुम अपने पास नहीं लेके जा सकते, तुमने मैंने 5 लाख रुपए का तुम लोगों से लोन लिया है 10% की रेट पर मान लो, तो इस 2 लाख रुपए में से पहले तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा, बचा 1,50,000। फिर इसके बाद गवर्नमेंट कहेगी लाओ भाई हमारा टैक्स, तो फिर मुझे गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, मान लो 30% मुझे टैक्स देना पड़ गया, 1,50,000 का 30% हो गया 45,000, 45,000 रुपये गवर्नमेंट लेगी टैक्स के रूप में, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, तो 1,05,000 रुपये मेरे पास बचे जो मेरे हैं, ठीक है, और ये 1,05,000 रुपये मैंने किस पर कमाए हैं? 5 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर मैं देखूं मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पर कितना मिल रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई मैंने 21% प्रॉफिट अर्न किया, 21% आई हैव अर्न ऑन माय ओन फंड्स, ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो बचा और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फंड है उसका रेशियो ही रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। सो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है इक्विटी होल्डर्स के लिए जो बचा उसको हम क्या बोलते हैं? नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको आप NI लिखते आ रहे हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट घटा दिया, जिसमें से टैक्स घटा दिया, जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दिया, सब कुछ घटा दिया, उसके बाद जो बचा वो रेजिडुअल इनकम जिसको बोलते हैं, रेजिडुअल्स जो बची हुई जो इनकम है वो हमारे इक्विटी होल्डर्स की, और यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्विटी होल्डर्स फंड से। इक्विटी होल्डर्स फंड, इक्विटी होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाती है, इक्विटी के रिजर्व्स भी आ जाते हैं, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो भी इसमें से फिर घटाना पड़ता है। तो इक्विटी होल्डर्स फंड मोटे तौर पर आपको इक्विटी कैपिटल ही मिलेगी, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो मैंने कहा बिजनेस ने मुझे कितना कमा कर दिया, बिजनेस ने 20% कमा कर दिया, और मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना मिला, मुझे 21% मिला, मुझे उससे ज्यादा मिला, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उससे कम मिले या उससे ज्यादा मिलेगा हमेशा ही, या उसके बराबर मिलेगा हमेशा ही। क्या रिलेशनशिप है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी पर क्या असर पड़ता है? ये रिलेशनशिप, इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं ROI, ROE एनालिसिस। तो ये दो एनालिसिस हमें पढ़ने हैं, EBIT EPS एनालिसिस और ROI, ROE एनालिसिस। तो दोनों का मतलब आप समझ चुके हैं,
तो अब हम आगे यहां से बढ़ सकते हैं। तो ईबीआईटी का ईपीएस पर क्या असर पड़ेगा और ये करते क्यों हैं, इस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ठीक है, देखा जाए तो जो हमने इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी हमने पढ़ा है वहां पर हम इसको पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिपीटेशन है, बट मैं फिर भी इसको दोबारा से ले रहा हूं। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हमने क्या किया, हमने पहले, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बता रहा हूँ, यूं समझ लो मैं दोबारा से वहीं आ गया कि इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी हम कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, और उसके लिए हमने अर्निंग पर शेयर की जो इक्वेशन बनाई थी हम उस पर एक बार वापिस आ जाते हैं कि अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए मुझे चाहिए नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और इसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हम लोग कैसे निकालते थे, जो हमारा ईबीआईटी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से सबसे पहले घटाते थे हम लोग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस होने के बाद फिर टैक्स का नंबर आता था, तो हमने कहा कि 40% टैक्स घटा दो, 30% टैक्स घटा दो, या जो बचे उसका 70% या जो आया उसका 70% कर दो, अपने आप ही 30% घट जाएगा। तो 1-t करके हमने यहाँ से टैक्स घटा दिया, माइनस हमने किया था प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दिया, और प्रेफरेंस डिविडेंड पर अगर हमें साथ में डिविडेंड टैक्स भी देना होता है तो 1+DT भी हमने किया था, ठीक है, इस बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं। और डिवाइड कर देते हैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, n, इससे हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारी अर्निंग पर शेयर आ गई। अब थोड़ी देर के लिए मेरे पास दो फाइनेंशियल प्लान है, बात को समझाना, समझाने के लिए जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उस चीज को समझ। मैंने कहा कि भैया मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं इन दोनों का मुख्य मकसद क्या है, पहले वो दिमाग में बैठा लो। मैंने जिक्र किया था जब लीवरेज शुरू किया तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जिक्र किया था कि हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि इक्विटी वालों के लिए जो रिटर्न बचे, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो अधिकतम हो सके, उसको मैं अधिक से अधिक कर सकूं। अभी 20% मेरी अभी यहाँ ROI आई थी तो ROE मेरे लिए 21% बची, मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21 क्यों, 25 आ जाए और अधिक क्यों ना आ जाए, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरी अर्निंग पर शेयर अधिकतम हो सके, रिटर्न ऑन इक्विटी अधिकतम हो सके, और जितना चेंज इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में हो उससे ज्यादा चेंज मुझे इक्विटी के रिटर्न के रूप में मिले। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसा फाइनेंशियल प्लान अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट करूं, ऐसा फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, फाइनेंशियल प्लान का मतलब जहां से मुझे फंड रेज करना है कि भाई इक्विटी से लूं या इक्विटी में प्रेफरेंस मिला कर लूं या इक्विटी में डेट मिक्स करके पैसा लूं या इक्विटी में जो है डेट और जो है क्या नाम प्रेफरेंसेस दोनों को मिक्स करके पैसा ले लूं, कौन सा फाइनेंशियल प्लान मेरे लिए सबसे अधिक सूटेबल होगा, उस मोस्ट सूटेबल फाइनेंशियल प्लान का सिलेक्शन करने के लिए मैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस मैं करूँ जिससे मुझे पता चले ईबीआईटी में परिवर्तन का ईपीएस पर क्या परिवर्तन हो रहा है, ताकि मुझे पता चले कि इस सिचुएशन में मेरे लिए कौन सा प्लान बेहतर रहेगा, और कौन सा प्लान बेहतर रहेगा ये डिपेंड करता है आपके ईबीआईटी लेवल पर, इसलिए हमें ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये कैसे होता है एक बार दोबारा से अब आप इस चीज को नए सिरे से समझ लो। तो मैंने कहा कि भैया मुझे 10 लाख रुपए की फाइनेंसिंग करनी है, और अभी बात को समझने के लिए सिंपल रखेंगे कैलकुलेशन, आप बाद में इसको चेक कितना ही बढ़ा चढ़ा लेना, इसमें प्रेफरेंस डाल लेना, मैं अभी बिल्कुल सिंपल सी चीज रखूंगा, दो प्लान ले रहा हूं, आप चाहे इसमें 4 प्लान के साथ स्टडी करना, डस्ट करना, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सभी फाइनेंशियल प्लान को एनालाइज करके देखते हैं जो फाइनेंशियल प्लान मुझे ईबीआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न ऑन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे मोस्ट सूटेबल मुझे लगता है, मेरे लिए वो प्लान बेहतर है, मैं उस प्लान का चुनाव करने का निर्णय लूंगा। लेकिन अभी हम बात को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, इसलिए बिल्कुल बेसिक सी बात। तो पहला प्लान तो ये कहता है कि यार क्यों ना इक्विटी से ही ले लें, इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर से कैसे ले लो, आप 10,000 शेयर इशू कर दो भैया और 1 शेयर 100 रुपए का, एक 10 लाख रुपए आ जाएंगे आपके पास। पहला प्लान तो ये कहता है। दूसरा प्लान ये कहता है कि
दोनों ले लेते हैं यार। इक्विटी 5,000, तो इक्विटी शेयर ले लो, 100 रुपए का एक इश्यू कर दो, और बाकी 5 लाख रुपए का डेट ले लो, 10% लोन ले लो, बोरोइंग ले लो, जो भी आप नाम दें, ठीक है। ये 10 लाख रुपए आप क्यों ना ऐसे ले लें, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और भी मैटर करेगी, वो रहेगी आपकी टैक्स रेट। मैंने कहा कि जी टैक्स रेट जो है कितनी है, तो टैक्स रेट अपनी मर्जी से कोई भी आप ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में ज़्यादा जोर ना पड़े, ठीक है, ज़्यादा फ्रैक्शन में ना, इसलिए मैं टैक्स रेट को भी अपनी तरफ से मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। मैंने इसको 25% ले लिया है, 50% ले लूंगा और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। बट मैं अभी 25 से बात को समझाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, तो उस पर्पज से टैक्स रेट मैंने 25% ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि यार कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा बेहतर है, और भी आप दो प्लान इसमें और भी रख सकते हैं, फिर पूछ सकते हो कि कौन सा प्लान बेहतर है। अब कौन सा बेहतर है, ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेड ईपीआईटी। अब ये आप हमसे ना पूछे कि कौन सा बेहतर है, ये आप पहले हमें बताएं कि आपकी ईबीआईटी लेवल क्या है, क्योंकि लीवरेज का तो हम सीधी सी एक विशेषता समझ सके हैं कि ये एक अच्छे समय का साथी है, इट इज फेयर वेदर फ्रेंड, तो जब बढ़ेगा तो बढ़ाएगा ये आपको, और जब गिरोगे तो और तेजी से गिराएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए हेल्प करता है इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इसीलिए निकालते हैं इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। एक्चुअल में एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखना समझना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम क्यों ना पहले शुरुआत करने के लिए इनका इंडिफरेंस लेवल ले लें, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी क्यों ना निकाल ले, और ये हमें बताने की शायद अब जरूरत नहीं होनी चाहिए कि लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच अर्निंग पर शेयर ऑफ टू फाइनेंशियल प्लान विल बी सेम। जहां पर दो फाइनेंशियल प्लान से मिलने वाली अर्निंग पर शेयर बराबर होगी, तो यार शुरुआत पहले वहीं से कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड ईबीआईटी, हमने मान लिया कि भैया ईबीआईटी का वो स्तर जो मुझे चाहिए 100 रुपया है, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर पहले प्लान के लिए, प्लान वन के लिए अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी भाई, हमने लिया ईबीआईटी यानी कि एक्स, एक्स में से घटाओ इंटरेस्ट। अब यहाँ तो हमने तो देखो पहले प्लान में तो कोई लोन ले ही नहीं रखा, सिर्फ इक्विटी शेयर है हमारे पास, ठीक है। मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया इसीलिए, तो एक्स, एक्स में से क्या करूँ, एक्स में से भाई अब सीधा टैक्स घटा दो बस, 1 माइनस टी, और तो कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं लिए मैंने, एन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दोनों फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से कंफ्यूजन ना हो इसलिए अब आप यहाँ लिख लो इसको N1 बोल दो, यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 हैं, यहाँ इसको N2 बोल दो, यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000 है, तो यहाँ चलिए मैंने N1 लिख दिया इसको। तो एक्स 1 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई N1 है 10,000, ठीक है। तो ये हो गया भाई 0.75x डिवाइडेड बाई 10,000, ये अर्निंग पर शेयर हो गई। अब अर्निंग पर शेयर ही मैं निकाल रहा हूं दूसरे प्लान की, प्लान 2, जरा देखिए कितना आएगा। एक्स यानी कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 5 लाख रुपए पर 10%, 50,000 रुपया, फिर टैक्स घटेगा तो 1 माइनस 0.25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000 है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लें, ये 0.75x से गुना हो जाएगा, 0.75x हो जाएगा, और ये 0.75 50,000 से गुना होगा। जो कुछ आपने पढ़ा है लीवरेज में, वो सारे कंसेप्ट यहाँ आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखें उनको, 5,000, और समझते चलें, जहां जो डाउट है वो मुझसे आप अभी पूछ लें, ठीक है। तो 0.75x माइनस 37,500 डिवाइडेड बाई 5,000, ये हमारी अर्निंग पर शेयर आ गई जो दूसरे प्लान की। अब एट इंडिफरेंस लेवल,
ऑफ ईबीआईटी, जहां ईबीआईटी का इंडिफरेंस लेवल, उसका तो मतलब ये है कि दोनों अर्निंग पर शेयर बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 0.75x, 0.75x डिवाइडेड बाय 10,000 जो पहले प्लान की अर्निंग पर शेयर आ रही थी, ये इक्वल टू होनी चाहिए 0.75x माइनस 37,500 डिवाइडेड बाय 5,000। अब ये 5,000 को आप इधर लेकर आएंगे, यहाँ इससे मल्टीप्लाई में आएगा, फिर डिवाइड करोगे तो अभी काट दो ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले सिंपल सा, ये हो गया भाई। देखो इसको पहले इससे गुना करके लिख देता हूँ, 2 × 0.75, 1.5x माइनस 37,500 गुना दो, ये हो जाएंगे 75,000। और ये हो गया इधर 0.75x। आइए आगे चलते हैं, 1.5x माइनस 0.75x, ये 0.75x हो गया, इसमें से घट गया, इक्वल टू 75,000। तो x इज इक्वल टू हो गया 75,000 को 0.75 से डिवाइड करो, 75,000 डिवाइडेड बाय 0.75, ये आता है जी 1,00,000 रुपया। यानी कि इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी तुम्हारी 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 रुपए पर दोनों फाइनेंशियल प्लान से मिलने वाली अर्निंग पर शेयर बराबर होगी। और जब हमने इंडिफरेंस लेवल पढ़ा था तो इस चीज पर काफी जोर दिया था, आपको बताया भी था कि ये निकालते क्यों है। हमने पढ़ा कि ईबीआईटी देख लो भाई, अब तुम्हारी कितनी आएगी, अगर ईबीआईटी 1,00,000 रुपए है तो दोनों में से कोई सा भी प्लान ले लेना, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर 1,00,000 रुपए से कम मिलने की उम्मीद है, तुम अपना सेल्स बजट बनाओ, खर्चों का बजट बनाओ, उसके बेस पर अंदाजा लगाओ, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार कितना मिल सकता है। एस्टिमेटेड करो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो। और अगर आपको उम्मीद है कि 1,00,000 रुपए से कम मिल सकते हैं तो आप इक्विटी प्लान पर ही रहना, डेट की कोशिश मत करना, आपको नुकसान होगा। और अगर आपको उम्मीद है कि 1,00,000 से ज्यादा आप कमा सकते हैं तो फिर आपके लिए ये प्लान बेहतर होगा, फिर आप इक्विटी को छोड़ो, फिर आप डेट प्लान पर जाइए। तो इस तरह से हम लोग चुनाव करते हैं। ये एक्चुअली हमने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस ही पढ़ा है, ठीक है। ये ईबीआईटी का ईपीएस के साथ जो संबंध देकर वहीं से तो एनालिसिस किया है कि जहां से हम अपनी अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज कर सके। मेन मोटो तो अपना यही है कि उस फाइनेंशियल प्लान का ईबीआईटी और ईपीएस की रिलेशनशिप की हेल्प से उस फाइनेंशियल प्लान का सिलेक्शन करना जहां पर मेरी अर्निंग पर शेयर अधिकतम हो सके, वही तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो मैं वैसा करता हूँ, इसमें अब दो तीन लेवल बना लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम करते हैं देखो क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई अगर मान लो तुम्हारा ये EBIT जो है 1,00,000 रुपए से मैं अगर कम कर दूं तो, ठीक है, EBIT अगर 1,00,000 रुपए से मैंने कम कर दिया तब क्या होगा। तो तब मैं ऐसा कर देता हूँ EBIT, या बल्कि मैं जीरो से शुरू करता हूँ, अगर जीरो हो जाए EBIT, ठीक है, और अच्छा एनालिसिस हो पाएगा। जीरो अगर हो जाए तो चलिए, और अगर 1,00,000 से कम हो जाए तो, 1,00,000 से कम हो जाए, मान लो मैंने ले लिया इसको 80,000, ठीक है। अच्छा अगर 1,00,000 ही रहे तो चलिए 1,00,000 देख लो, और 1,00,000 से अगर ऊपर हो जाए तो चलो 1,20,000 पर देख लो, चाहे 25,000 पर देख लो। ये मैंने अलग अलग ईबीआईटी ली। अब इन ईबीआईटी से ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों फाइनेंशियल प्लान में, प्लान 1 प्लान 2, ठीक है, प्लान 1 2, 1 2, सबसे पहले एक बार दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा ईबीआईटी यहां पर 0 0, 80,000 80,000, 1,00,000 और 1,20,000 लेस मुझे करना पड़ेगा इसमें से इंटरेस्ट, यहां तो है नहीं, यहां 50,000 रुपये ब्याज भैया देना पड़ेगा,
ठीक है, आपकी प्रॉफिट ज्यादा तब भी 50,000 देना पड़ेगा, प्रॉफिट ना हो या कम हो तब भी 50,000 ही देना पड़ेगा। यही तो फिक्स कॉस्ट की विशेषता होती है। अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो, यहाँ तो ठीक है भाई, नहीं हुआ तो ना सही, जीरो। यहाँ -50,000, ठीक है, यहाँ 80,000, यहाँ कितना बचेगा भाई, 30,000, ठीक है, यहाँ 1,00,000, यहाँ 50,000, यहाँ 1,20,000 और यहाँ 70,000। चलिए, टैक्स का नंबर आया, लेस टैक्स, यहाँ तो अब कुछ इनकम ही नहीं हुई तो टैक्स भी नहीं देंगे। यहाँ 50,000 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, उस लॉस पर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो 50,000 रुपये की जो लॉस है, जैसे इनकम पर 50,000 रुपये पर मैं 25% टैक्स देता तो कितना आता, 12,500 आता। अब यहाँ 12,500 रुपये की मुझे सेविंग मिलेगी, ठीक है, टैक्स सेविंग। अच्छा, यहाँ पर 25% हो गया 20,000, 25% मतलब एक चौथाई करते चलो, यहाँ 7,500, यहाँ 1,00,000 का 25% 25,000, यहाँ 50,000 का 25% 12,500, यहाँ 1,20,000 का 25% हो गया जी 30,000, और यहाँ 70,000 का 25%, 70,000 का 25%, ठीक है। एक तो लेवल आप चाहें और भी ले सकते हो, कैलकुलेशन खुद करना चाहें, खुद आगे करें इसमें, ठीक है, और दो तीन लेवल आगे बढ़ा लो इसमें। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी, या इसी को नेट इनकम बोल देंगे, प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो यहाँ हमारे पास माइनस के 37,500 बचेंगे, ठीक है, यहाँ 60,000, ठीक है, ये सब घट रहे हैं, ये प्लस में रहेगा उल्टा, ठीक है, यहाँ 22,500, यहाँ 75,000, यहाँ 37,500, यहाँ बचेंगे 90,000, और 70,000 में से ये मैंने 17,500 लेस किए तो 52,500, और डिवाइड कर दो जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले वाले लेवल में तो है 10,000 और दूसरे में है 5,000, यहाँ 10,000 इक्विटी शेयर, यहाँ 5,000 इक्विटी शेयर, यहाँ 10,000 इक्विटी शेयर और यहाँ पर 5,000, ठीक है। देखें अर्निंग पर शेयर कितनी आती है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर यहाँ तो जीरो, यहाँ अर्निंग पर शेयर 37,500 को 5,000 से डिवाइड कर दो तो 7,500 नेगेटिव एक तरह से, ठीक है, यहाँ 6 रुपया, यहाँ 22,500 को 5,000 से डिवाइड किया आपने तो 4,500, ठीक है, और यहाँ आप देखो 75,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो 7.5, और 37,500 को आपने 5,000 से डिवाइड किया तो 7.5, 90,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो 9, और 52,500 को आपने 5,000 से डिवाइड किया तो 10.5, ठीक है। और अब जरा आप यहाँ देखें, मैंने कहा ये है जी हमारी ईबीआईटी और ये है मेरी ईपीएस, पहला प्लान और दूसरा प्लान। पहला प्लान कौन सा वाला, इक्विटी का, दूसरा डेट मिक्स प्लान। डेट मिक्स प्लान का नाम है लीवर्ड प्लान, ठीक है, जहां फिक्स कॉस्ट शामिल होती है उसको लीवर्ड प्लान बोलते हैं, इसको इक्विटी प्लान या अनलीवर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है, अनलीवर्ड प्लान। तो ईबीआईटी मैंने लिए हैं 0, फिर मैंने लिया 80,000, फिर मैंने लिया 1,00,000 और फिर मैंने लिया 1,20,000 लिया था शायद, 1,20,000, 1,20,000, हाँ जी। और अर्निंग पर शेयर जरा देखिए कितनी आ रही है, यहाँ तो 0 थी इसकी, ठीक है, यहाँ कितनी आ रही थी, पहले जरा आपने इक्विटी प्लान को ही देख लें, 0, 6, 7.5
और नाइन्थ, 0, 6 यहाँ 6 रुपये, 7.5 और यहाँ 9 रुपीज। और अपने लीवर्ड प्लान को भी देख लें, यहाँ तो ये बिल्कुल लुट ही गया है, 7.5 नेगेटिव, यहाँ 4.5, 7.5, 4.5, फिर 7.5 और 10, ठीक है, माइनस के 7.5, 4.5, प्लस के 7.5, ठीक है, और यहाँ से 10.5। जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ वो शायद अब आपको क्लियर हो गई होगी, ये लेवल जहां पर दोनों ईवीआईटी बराबर है, दिस इज इंडिफरेंस लेवल, ठीक है। ईवीआईटी अगर जीरो भी है, ठीक है, आपकी प्रॉफिट अगर जीरो भी है, उस केस में भी आपकी अर्निंग पर शेयर यहां तो जीरो, लेकिन यहां बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी। इस लेवल से, इस 1 लाख रुपए से कम ईवीआईटी पर आपके लिए इक्विटी प्लान बेहतर है, और 1 लाख से अधिक कमा पा रहे हो तो फिर आपके लिए डेट प्लान आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और इसी की हेल्प से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट सूटेबल प्लान का। इसी को हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, एक बार देखे जरा इसको, कई सारा एनालिसिस इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहां मैं ले रहा हूं ईबीआईटी, ईबीआईटी का ईपीएस से संबंध ले रहा हूं मैं, यहां मैं ले रहा हूं अर्निंग पर शेयर, जस्ट मिनट, यहां मैं ले रहा हूं अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ईपीएस, और यहां अगर नेगेटिव में जाती है तो नेगेटिव ईपीएस माइनस की, ठीक है, और थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो इसको हम वाई ओ एक्स, वाई ओ ये एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। कई पॉइंट्स यहाँ निकल कर आएंगे, अब आपको ध्यान से समझना है। पहले मैं प्लान वन की बात कर लूँ, प्लान वन कहता है कि जीरो ईबीआईटी पर ईपीएस जीरो। अच्छा, हमने ईबीआईटी कितनी कितनी ली, हमने 80, 1, 20, 1 लाख ऐसा कर लें, फिर कितने कितने इंटरवल पर ले लें। यहाँ तो मैं फॉल्स लाइन लगा देता हूँ, ठीक है ना, ग्राफ में आपने देखा होगा, क्योंकि अगर मैं 20-20 हज़ार का इंटरवल लेता हूँ तो पहले मेरे को करना पड़ेगा 20, 40, ठीक है, 60, वहाँ तक खाली रहेगा, 80 से शुरू होगा, तो मैं सीधा यहीं से फिर 80 हज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, 80,000, ये मैंने लिया जी 20,000, नहीं सर 20,000 बढ़ाकर 1 लाख, ठीक है, और ये लगभग इतने ही इंटरवल पर आगे मैंने कर दिया 1,20,000। बात समझानी है मेरे लिए, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर अपनी कितनी कितनी चल रही है जरा देखें, 7.5, 4.5, इनको तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से भी ले लें तो भी दिक्कत नहीं है, चलिए तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये तो बल्कि 10.5 थी तो 11 तक जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। और यहां से चले तो -1, -2, -3 और -4, -5, ठीक है। चलिए पहले फाइनेंशियल प्लान वन का नंबर, इक्विटी प्लान, अनलिवर्ड प्लान, जीरो पर ईपीएस कितनी, जीरो, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये ब्लू कलर में ले रहा हूं लीवर्ड के लिए, और ग्रीन वाला कलर में ले रहा हूं अनलीवर्ड यानी कि इक्विटी के लिए। तो भाई जीरो पर जीरो, ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब हमारी 80,000 रुपए की अर्निंग पर शेयर थी तो ये ईपीएस दे रहा था, सॉरी ईबीआईटी थी तो अर्निंग पर शेयर दे रहा था 6 रुपए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 6 रुपीज। देखो एक्यूरेट तो बन नहीं पाएगा लेकिन जो बात समझनी है वो आप शायद समझ पाएंगे, तो ये 6 रुपीज हो गया, ठीक है। और ये अलग अलग कलर का भी इसलिए कर रहा हूँ आपको देख के समझ में आ जाए कौन सा किस प्लान का है, मिक्स ना हो। अच्छा, फिर 1 लाख रुपए
पर जो है दोनों की ही बराबर आ रही थी, कितनी 7.5 आ रही थी। तो ये 6 तो था ही, 7 और ये 7.5 यहाँ आ जाता है, ठीक है। और फिर देखें इसके बाद 1,20,000 रुपये पर कितनी थी, 1,20,000 रुपये पर थी ये 9 रुपया। तो 1 यहाँ 6 तो यहाँ तक है ही, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी लाइन तो मुझसे नहीं बन पाई है, ये थोड़ा सा यहाँ एक लाइन में आते ही वैसे, एक मिनट, ये इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है। एक मिनट में दोबारा कोशिश करता हूँ, मैं पहले लाइन खींच दूँ पॉइंट, फिर इसके बाद लगा दूंगा। ठीक है, अब आप मोटे तौर पर इन चीज को यहां समझ लेना भाई, ठीक है। ये एक ही लाइन पर आएंगे एक्चुअल में, जब आप करेंगे सही मेजरमेंट के साथ तो ये एक ही लाइन पर आएंगे। तो ये लाइन है जो आपका प्लान, कौन सा वाला है, वन प्लान, इक्विटी प्लान, जिसको अनलिवर्ड प्लान बोलते हैं। तो उसकी ईपीआईटी से ईपीएस रिलेशनशिप ये चलेगा। और आप ध्यान से देखो कि जब इसकी ईबीआईटी 80,000 से 1,00,000 हो रही है, 80,000 से 1,00,000 होने का मतलब है कितने रुपए से बढ़ रही है, 20,000 रुपए से बढ़ रही है। और 80,000 रुपए पर 20,000 अगर आप देखें, 20,000 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई 100, 25% से बढ़ रही है, ठीक है। ये 25% से बढ़ रही, तो ये कितना परसेंट से बढ़ रही है, 6 से 7.5 हो गई, 1.5 रुपया ये बढ़ रही है। तो ये भी कितना परसेंट से बढ़ रही है, 1.5 बढ़ रही है 6 रुपीज पर, ये भी 25% से बढ़ रही है। आगे फिर देखो, ये अब यहाँ से यहाँ 20% बढ़ रही है, तो ये भी यहाँ से यहाँ 20% ही बढ़ रहा है। आप देखो 1,00,000 पर 1,20,000 हो गया, यानी कि 20,000 से बढ़ा 20%, और 7.5 से 9 हो गया, ठीक है। तो 1.5 रुपया 7.5 पर बढ़ा, यानी कि 1.5 डिवाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाई 100, वही 20%। जो प्रोपोर्शनेट चेंज ईबीआईटी में हो रहा है, उसी प्रोपोर्शनेट चेंज के साथ अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, ठीक है। कौन से फाइनेंशियल प्लान में, ये है जब आपका इक्विटी वाला फाइनेंशियल प्लान होता है, अनलिवर्ड फाइनेंशियल प्लान जहां होता है, ठीक है। अब जरा दूसरे प्लान को भी इसी पर लगाओ, तभी बात बनेगी, यहीं पर ही अगर हम यहीं से शुरू करेंगे। तो दूसरा फाइनेंशियल प्लान के लिए मैं ब्लू कलर यूज कर रहा था, तो पहला हमने लिया जीरो। जीरो पर तो भाई बिल्कुल कतई एक खत्म बराबर हो रहा था, आपने देखा होगा जीरो ईबीआईटी लेवल पर, तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो है नेगेटिव में जा रही थी 7.5 रुपये, ठीक है। तो नेगेटिव 7.5, बल्कि मैं तो भूल गया, 7.5 तक तो मैंने लिया भी नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 7.5, यहाँ ये इसकी ईबीआईटी रहेगी। जब हमारी अर्निंग पर शेयर जीरो है तो उस केस में इसकी, तुम बात कर रहे थे कि जब ईबीआईटी लेवल जीरो है, अगर इस कंपनी का प्रॉफिट जीरो हो जाए, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर होगा, ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए जो अर्निंग पर शेयर है वो रहेगी 7.5 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ रहेगी, यहाँ से शुरू होगी। अब यहाँ पर एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हमें वो भी साथ साथ कर लेनी चाहिए थी। हमने एक चीज डिस्कस की थी, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ये पढ़ा था कि वो लेवल जहां फर्म अपनी ईबी अपनी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को पूरा कर सके, इसको हमने पढ़ा था इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड की ग्रॉस वैल्यू। अब यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो केवल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है, 5,00,000 रुपए के लोन पर 10%, यानी कि 50,000 रुपया जब मेरी ईबीआईटी हो, तब तो जाकर मेरी अर्निंग पर शेयर जीरो होगी। फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट को हमने इस रूप में पढ़ा था, वो लेवल जहां ईपीएस आपकी जीरो हो जाती है।
यानी कि जिस पॉइंट के बाद से आपकी अर्निंग पर शेयर जुड़नी शुरू होती है, प्लस होनी शुरू होती है, ठीक है। तो इसको 50,000 रुपए तो कमाने हैं सिर्फ अपनी ईबीआईटी लेवल को जीरो करने के लिए, सॉरी अर्निंग पर शेयर को जीरो करने के लिए 50,000 रुपए अगर इसकी ईबीआईटी हो तो वहां पर इसकी अर्निंग पर शेयर जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो कर्व है किस तरह से आएगा, यहाँ 80,000, अब ये तो हमने बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट ले नहीं रखा, अदरवाइज यहाँ आप डाल सकते हैं 50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपीज ये ईबीआईटी, और ये जो आपका ईबीआईटी लेवल है अब ये इसको ऐसे यूं क्रॉस करते हुए आएगा, ठीक है। मैं इस लाइन को दोबारा खींचूंगा एक बार इस लाइन को, और यहां से आते हुए ये फिर जो अपना जहां ये दोनों बराबर है वहां इसको क्रॉस करते हुए और फिर इससे ऊपर ऐसे निकलेगा, ठीक है। एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से भी यहाँ मेरे लिए लाइन खींचना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मैं अब आपको अलग से फ्रेश बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपका कर्व है और इसमें आपका ये ग्रीन वाला मैंने ले लिया जो फाइनेंशियल प्लान अनलीवर्ड फाइनेंशियल प्लान है, ठीक है। और इसमें सिंपली यहाँ से शुरू हुआ और जैसे जैसे आपकी ईबीआईटी बढ़ रही है अर्निंग पर शेयर भी बढ़ती जा रही है, ये ईपीएस है और ये तुम्हारी ईबीआईटी है, नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी ईबीआईटी यहाँ बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ईबीआईटी अगर नेगेटिव है तो अपने आप नेगेटिव हो गया, अदरवाइज वैसे यहाँ जीरो पर भी कम से कम जीरो रहेगा। ये तो है आपका प्लान वन इक्विटी वाला, और अगर दूसरे प्लान की हम बात करें, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं जो लीवर्ड प्लान है उसमें क्या होगा, उस प्लान में ये जब जीरो ईबीआईटी होगी तो वहां तो ये नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, तो वहां तो ये बल्कि नेगेटिव चला जाएगा, और फिर एक लेवल आएगा जहां आपकी अर्निंग पर शेयर जीरो होगी, उसके बाद एक ये आगे बढ़ता चलेगा, ठीक है। और शुरू में इस वाले प्लान की अर्निंग पर शेयर अधिक होगी, इस वाले प्लान की कम होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां इन दोनों की अर्निंग पर शेयर बराबर हो जाएगी, और फिर इसके बाद ये इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और यहां से अब आपकी इस वाले प्लान की अर्निंग पर शेयर अधिक हो जाएगी। ये है आपका प्लान टू, ठीक है, जिसको हम लीवर्ड प्लान बोलते हैं, लीवर्ड प्लान, ठीक है। और यहाँ ये कई चीजें हमें बता रहा है इस ग्राफ पर, जो कुछ हमने पढ़ा है कंसेप्चुअली अगर आपने उन सब चीजों को समझा है तो आप यहाँ आराम से समझ सकते हैं। ये आपका इंडिफरेंस लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल, ये ईबीआईटी लेवल, कितनी ईबीआईटी, ठीक है, ये इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी है, क्योंकि यहाँ दोनों फाइनेंशियल प्लान की अर्निंग पर शेयर बराबर है, ईपीएस प्लान वन इक्वल टू ईपीएस प्लान टू, दोनों प्लान से मिलने वाली अर्निंग पर शेयर बराबर है, ठीक है। ये वाला अगर आप इसको देखें, ये क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। प्लान वन का तो होता ही नहीं, प्लान वन का तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बाद तो कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। प्लान टू जो लीवर्ड प्लान है उसका फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट ये वो लेवल होता है, यहां पर आपकी अर्निंग पर शेयर जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस लेवल से कम अगर हमारी ईबीआईटी होगी, देखो ये वाली ईबीआईटी और इससे कम ईबीआईटी ये है, इस प्लान पर तो आपकी अर्निंग पर शेयर बल्कि नेगेटिव आ रही है, ठीक है, ईपीएस नेगेटिव है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से कम लेवल पर, कम ईबीआईटी लेवल पर आपकी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और फिर जब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को आप क्रॉस कर जाएंगे तो इस वाली सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन को, ठीक है। और यहां पर अर्निंग पर शेयर किसकी ज्यादा है, अगर मैं यहाँ ये कोई लेवल उठा लेता हूं, ठीक है, ये मैंने एक लेवल उठा लिया यहां से, इस लेवल पर अर्निंग पर शेयर निकालो, ठीक है, ये तो आपके लीवर्ड प्लान की अर्निंग पर शेयर है इतने रुपया, तो और आपके अनलिवर्ड प्लान की अर्निंग पर शेयर इतने रुपए, तो यहाँ पर कौन सा प्लान बेनिफिशियल रहेगा जिसमें डेट नहीं है,
लेकिन अगर इसको आप क्रॉस कर जाएं तो क्रॉस करने के बाद अब आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर है, ये देखो दोनों को आप कंपेयर कर लो। इस वाले प्लान पर तो आपको अर्निंग पर शेयर ये मिलेगी और इस वाले प्लान पर कितनी मिलेगी। तो अब आपके लिए जो डेट मिक्स प्लान है, लीवर्ड प्लान है, वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये इन सब का यूज है, फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट, इन डिफरेंस लेवल हम क्यों पढ़ रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, ये इसका पर्पज है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हम ये लिखेंगे कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि ईबीआईटी में चेंज होने पर ईपीएस में क्या चेंज होता है वो रिलेशनशिप देखते हैं, ताकि हम अपनी अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करने के पर्पज से अपने बिजनेस के लिए मोस्ट सूटेबल फाइनेंशियल प्लान का सिलेक्शन कर सके। ठीक है, और मोस्ट सूटेबल फाइनेंशियल प्लान कौन सा होगा जो उस सिचुएशन में हमें अर्निंग पर शेयर अधिक दे रहा होगा, और कौन सा फाइनेंशियल प्लान हमें अधिक अर्निंग पर शेयर देगा वो अब डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया उनका इंडिफरेंस लेवल निकालो। अगर आपकी एक्चुअल ईबीआईटी, ठीक है, एक्चुअल कह लीजिए या एक्सपेक्टेड कह लीजिए, ईबीआईटी अगर अधिक है इंडिफरेंस लेवल से तो फाइनेंशियल प्लान, डेट वाला प्लान आपके लिए बेहतर है, डेट वाला प्लान आपको सेलेक्ट करना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, और नहीं तो अगर इससे कम है तो फिर आप डेट ना। इसी तरह से है आरओआई आरओई एनालिसिस, थोड़ा सा टाइम और लेंगे इसमें, आरओआई का आरओई से एनालिसिस, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जब चेंज आता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या चेंज होता है, हम इन्हीं दोनों फाइनेंशियल प्लान को ले लेते हैं। तो यहां देखो दोनों ही सिचुएशन में, आप ध्यान से देखना, दोनों ही सिचुएशन में इन्होंने इन्वेस्ट कितना कर रखा है, भाई मैंने पैसा कितना ले रखा है, पैसा तो मैंने वही 10 लाख रुपए ले रखा है, प्लान जो अपना इक्विटी वाला है उसमें 10 लाख रुपए इक्विटी से ले रखे हैं, डेट वाले में सारे के सारे जो है 10 लाख इक्विटी से लेने के बजाय 5 लाख इक्विटी से और 5 लाख डेट से। तो अभी जब मैंने शुरुआत की थी तो तभी मैंने आपको बताया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब, ठीक है, यहाँ मैंने आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब बताया था, ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स होती है हमारी शेयर होल्डर फंड और बोरोइंग, यानी कि सारा उसका जोड़। तो इन दोनों ही प्लान का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट बोथ प्लान का है 10 लाख रुपया। ठीक है, अब जरा मैं यहां देखो कि इनका 10 लाख रुपए पर जो रिटर्न मिल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब आप यहां से इसको समझ सकते हैं, देखो प्लान वन के पास तो कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, हमें कुछ भी फिक्स रूप से नहीं देना, जो आएगा वो दे देंगे, इक्विटी प्लान है। प्लान टू के पास एक फिक्स कॉस्ट है जिसका नाम है इंटरेस्ट, इसको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना ही करना है, वो बात अलग है, इस 50,000 रुपए पर हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, 50,000 रुपए खर्चे के रूप में जा रहे हैं, तो 50,000 रुपए पर 25% टैक्स जो है एक तरह से बच रहा है हमें, तो 50,000 का 25% अगर मैं टैक्स इसमें से बचा लूं तो 12,500 रुपए, भाई ऐसे समझ लो, मान लो मेरी 2 लाख रुपए की इनकम होती तो मैं 2 लाख पर टैक्स देता, अब 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए अगर मुझे ब्याज देना पड़ रहा है तो मुझे टैक्स कितने पर देना पड़ेगा, 1,50,000 पर देना पड़ेगा 25%, यानी कि जो 50,000 रुपए पर जो मैंने इंटरेस्ट लिया उस पर 12,500 रुपए का टैक्स मेरा बच जाएगा, तो नेट कॉस्ट मेरी कितनी बैठ रही है 37,500, 37,500 रुपए मेरे लिए नेट कॉस्ट बैठ रही है। ठीक है, तो आपने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने निकालना सीखा है, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एक्शन में है कितनी, 37,500 रुपए दे रहे हैं हम 5 लाख रुपए के लोन पर, कहने को तो 5 लाख पर 50,000 दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 5 लाख पर 37,500 रुपए दे रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख में करके देखू कितना आता है, 7.5%, 7.5% तो भैया मेरे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इससे कम अगर मुझे मिला तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, और 7.5% पर मैं इसको चुका पाऊंगा, 7.5% से अधिक हुआ तो मुझे बेनिफिट और हो सकता है। अब जरा आप एक बार देखें इस चीज को,
मैं सिंपली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के रूप में आपके सामने लिख देता हूं। मैं इसको पहले 5% ले लूं, 5% अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो, फिर मैं इसको 7.5% कर दूं, मैं इसको एक बार 10% भी कर लेता हूं, ठीक है 10%, और 15% अगर कमाते हैं तो कितना होगा ये मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। ये मैंने ROI लिख दी, और अब इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी आएगी प्लान वन की और प्लान टू की, वो जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। और यहाँ से भी फिर आप देखेंगे एक एनालिसिस बनेगा जिसे ROI ROE एनालिसिस बोलते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें EBIT EPS एनालिसिस रखता है, उसी का ज्यादा यूज भी है, ठीक है। तो चलो मैंने अब इसको जब शुरू कर ही दिया है तो इसको बढ़ाते हैं आगे। तो मैंने ROI लिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने लिया 5%, 7.5%, ठीक है, और 10% और 15%, ये चार लेवल मैंने लिए। तो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए मुझे क्या चाहिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी बताया था हमने आपको कैसे निकालते हैं कि नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि NI तक तो हमें पहुंचना ही है, उसको डिवाइड करना इक्विटी शेयर होल्डर्स से। अभी तक तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकालते थे, अब इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करके उसको परसेंटेज में निकालना है, बस इतना चेंज है। मतलब EBIT की जरूरत तो यहाँ पर भी पड़ने वाली है, तो मैं पहले इन सब की EBIT लिख दूं। प्लान वन टू चलता रहेगा, प्लान वन और प्लान टू, और 5%। अब देखो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5% का मतलब कितना रुपया कमाया, 50,000 अगर हम कमाए तो, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 7.5% का मतलब 75,000 रुपये अगर कमाए तो, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10% का मतलब है अगर हम 1 लाख रुपया कमाए तो, और 15% का मतलब है अगर हम 1,50,000 रुपया कमाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। आगे की कार्रवाई वैसे चलेगी, इंटरेस्ट यहाँ है नहीं, यहाँ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया 50,000 रुपया, ठीक है, यहाँ है नहीं यहाँ 50,000, यहाँ पर है नहीं और यहाँ 50,000, यहाँ है नहीं और यहाँ पर 50,000, तो हम लेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, यहाँ तो 50,000, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 75,000, ठीक है, ये 5% पर इसका एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुँच गया है, ये 25,000, 1,00,000, 50,000, 1,50,000 और ये 1,00,000, लेस टैक्स, टैक्स है 25%, वही ले रहा हूं मैं, 12,575 का 25% कितना आ गया 18,750, 75,000 का 25% 18,750, ठीक है, इसी तरह से 25,000 का 25% 6,250, ठीक है 25,000, और यहाँ फिर से 12,500, यहाँ 1,50,000 का ये हो जाएगा भाई 37,500 और ये 25,000, ठीक है, तो नेट इनकम आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि अब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, तो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी आ जाएगी 37,500, यहाँ हो जाएगी 75,000 माइनस 18,750 56,250, ठीक है, और 2,50,000 में से 6,250, 25,000 में से 6,250, 18,750, ये 75,000, ये 37,500, ये 1,12,500 और ये 75,000,
अब हमारी इक्विटी कैपिटल कितनी है? इक्विटी है यहाँ तो 1 लाख रुपए की है भैया, यहाँ हाँ 1 लाख नहीं 10 लाख, सॉरी 10 लाख, और यहाँ 5 लाख। यहाँ 10 लाख की कैपिटल और यहाँ 5 लाख की, अगेन 10 लाख और 5 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख। यहां से हमें मिल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ये 3,37,500 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 3.75%। यहाँ 0, यहाँ 5.625%, है ना। सिंपली इसको इससे डिवाइड करो, 100 से गुना करो, 18,750 भाग 5 लाख, 3.75%, 3.75%। आगे ये 7.5% भाई, और यहाँ कितनी आ रही है, 3,75,000, नहीं सॉरी 37,500, सॉरी 37,500 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100, 7.5%। फिर यहाँ 11.25%, और यहाँ हो जाएगी भाई 75,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो ये हो जाएगी 15%। क्या समझे बात, यहाँ पर भी वही है, जहाँ 1 लाख रुपए आपकी जो EBIT आ रही थी, मतलब 10% वाले रिटर्न पर, दोनों से ROE बराबर आ रही है। और इससे कम लेवल पर आप देखें, इससे कम लेवल पर आपका इक्विटी वाला प्लान डोमिनेट कर रहा है, इससे ज्यादा वाले ज्यादा होने पर फिर अपना डेट प्लान डोमिनेट करने लग जाता है, ये 15% हो जाती है। इसको भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं ग्राफ पर, YOX। यहां आपने दिखाना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ने 5% लिया, मैंने 7.5% लिया, फिर मैंने 10% लिया था, और फिर मैंने 15% लिया था, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE कितनी आई, रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने यहाँ देखो 5, 11 के 3 से शुरू होकर 11, 15 तक की रेंज में चल रही है, तो चलो तीन तीन के इंटरवल पर चल लेते हैं, 3, 6, 9, 12 और ये 15, ठीक है, 3, 6, 9, 12 और 15। और यहाँ से अब आप जो है दोनों प्लान के अलग अलग दिखा दो, पहले इक्विटी वाले प्लान के दिखा दो कि 5% पर ये है 3.75%, 5% अगर ROI है तो ROE है 3.75%, लगभग इतना समझ लो, ठीक है। जब 7.5% था, ठीक है, तो ये आ रही थी 5.625%, 5.625 लगभग समझ लो, यहाँ मान लो, ठीक है। और जब ये 10% हुआ तो 7.5%, 10% हुआ। अभी एक चीज और बतानी है आपको, ठीक है, बी अटेंटिव। तो 10% पर ये हुआ 7.5%, और 15% पर ये हुआ 11.25%, 11.25%। तो हमने देखा इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है, लेकिन एक चीज बड़े कमाल की है, वो देखना कि जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, 5.625 था, 10% पर 7.5% और 15% पर 11.625, बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी पैसा टैक्स में जा रहा है। 15% कमाया, 15% में से 25% चला गया टैक्स में, तो 11.25% बचा। 10% कमाया तो 10 में से 25% टैक्स में चला गया, 7.5% बचा। 7.5% जब कमाया तो उसमें से 25% टैक्स में चला गया, तो 5.625% बच गया। यानी कि यहाँ एक कमाल की चीज है, अब आप देखो ROI सिंपली क्या मिलेगी आपको, ROI 1-T, टैक्स घटा दो बस, वो बाकी जो बच गया वो इसकी, जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में 1-T कर दीजिए, ये ROE बच जाएगा, ठीक है।
लेकिन हम लीवरेज क्यों यूज करते हैं, इसीलिए तो यूज करते हैं कि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर सवार हो सके, यानी कि हम अधिक रिटर्न अर्न कर सके। अब यहाँ देखो, लेकिन उसका बेनिफिट लेने के लिए हाई लेवल पर जाना जरूरी है। अब 5% पर तो इनके पास भैया कुछ बचा ही नहीं, 5% पर तो जो 50,000 रुपये कमाए थे वो सीधे सीधे ब्याज में चले गए, इनके पास नहीं बचा कुछ भी। ठीक है, ये मैं ब्लू कलर से उसको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ तो खत्म मामला। 7.5% जब था, ठीक है, तब भी बात नहीं बनी, इनके पास 3.75% ही बचा है, क्योंकि टैक्स जो है मतलब इतना जो है इसका वो चला गया, इंटरेस्ट जो इनको पे करना था 3.75%, इससे भी कम, 3.75 लगभग, यहाँ समझ लो। ठीक है, 10% पर, इस लेवल पर इंडिफरेंट हो गए, क्योंकि इस लेवल पर इन्होंने जो जो है क्या 50,000 रुपये का तो अपना इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर दी, टैक्स की पेमेंट कर दी, और इसके बाद ये इसके नजदीक यही 7.5% पर ही ROE पर पहुंच गए। और 15% जब इन्होंने अर्न किया तो इनके पास जो रिटर्न बचा वो भी 15% पूरा पूरा बच गया। क्यों? क्योंकि जो इनके जो खर्चे थे उसको वो उस लेवल पर पूरे कर चुके थे, और ये अब इसके बाद ये तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसमें लाइन खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, यहाँ ये लाइन खींच नहीं पा रही। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका भी जो है ना ये इस तरह से चलेगा, एक बार अगर आप देखें तो ये आपका ROE चलेगा प्लान 1 का, और फिर इस तरह से, ठीक है, ये देखो यहीं से ऐसे शुरू होकर इस तरह से ये ROE ये चलेगा प्लान 2 का, यहाँ ROE रहेगा, यहाँ ROI रहेगा, निष्कर्ष यहाँ पर भी रहेगा, इसको वही इंडिफरेंस लेवल बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ से शुरू हुई है वो इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, वो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, दोनों में से कोई भी एनालिसिस यूज कर लो भाई, वो परसेंटेज में देखो, वो परसेंटेज के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा अभी इसमें तो 5% पर यहाँ कितना था, 3.75%, ठीक है, इसका 0 था, इसका था 5.625%, इसका 3.75% बच रहा था, यहाँ 7.5% था दोनों का, और यहाँ 11.625 समथिंग कुछ था, 15-25% मैंने किया, 11.25%, और यहाँ 15%। तो ये उसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा रहा है, EBIT EPS अमाउंट फिगर में दिखा रहा है, परसेंटेज में दिखा रहा है, बात लगभग वही है, और पर्पस दोनों का वही है कि किस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सके। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी कि इक्विटी वालों के लिए जो बचे वो रिटर्न अधिक बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमने कवर कर लिया ROI ROE एनालिसिस। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, आप यहाँ तक अपना एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, एक बार इसको दोबारा से देखें।